हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल डिजाइन में। गाइस, इस ट्यूटोरियल नंबर 4 में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि पॉलीगॉन क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है एंड आर्क क्या होता है। जी हाँ गाइस, इसके बारे में डिटेल वीडियो बताने वाले हैं। इस ट्यूटोरियल नंबर 4 में आपका स्वागत है। इससे पहले आपने ट्यूटोरियल 3 नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी और आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं गाइस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। जी हाँ गाइस, ये आप देख सकते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का यूज कैसे होता है, किस चीज में होता है। वैसे सिविल डिजाइन में तो इसका यूज कम होता है, कॉलम वगैरह बनाने के लिए होता है, लेकिन इसका यूज जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा होता है। चलिए इसका यूज बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी जो शॉर्ट की होती है, इसका शॉर्ट की है POL एंटर। POL एंटर करेंगे तो ये बोलेगा कि नंबर ऑफ साइड। पॉलीगॉन का मतलब है गाइस कि मोस्ट, मतलब चार से ज्यादा साइड, चार अधिक साइड, चार साइड होंगी तो रेक्टेंगल बन जाएगा या स्क्वायर बन जाएगा। चार से अधिक साइड यानी पांच से अधिक, पांच या पांच से ज्यादा साइड जो जिसमें भी होंगी उसको पॉलीगॉन बोलेंगे। जी हाँ गाइस, अब ये बोल रहा है कि इसका जो नंबर ऑफ साइड्स हो गया, तो हमने इसमें नंबर ऑफ साइड 6 डाल दिया। अब बोल रहा है गाइस स्पेसिफिक सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, स्पेसिफिक सेंटर डाल दिया यहाँ पे गाइस। अब ये बोल रहा है इनस्क्राइब्ड एंड सरकम सब्सक्राइब्ड, इनमें डिफरेंस क्या होता है गाइस। अगर आपका कोई भी सर्कल है तो सर्कल से बाहर बनाने के लिए सर्कमस्क्राइब और अंदर बनाने के लिए इनसब्सक्राइब का इन यूज किया जाता है। तो गाइस दोनों को बारी बारी से बताने वाले हैं। तो पहले हम इसको इनस्क्राइब करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बन के रेडी हो रहा है। अब इसको कहीं भी सेकंड पॉइंट पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से बनके रेडी हो जाता है गाइस। अब हम अगर एक सर्कल ले लेते हैं, इस तरह से ये सर्कल हो गया। अब हम उसी तरह से अब पॉलीगॉन का यूज करते हैं। अगर पॉलीगॉन ले लिया, इसका साइड डाल दिया, नंबर ऑफ साइड 6, 6 साइड हो गई। अब पिक पॉइंट बोल रहा है, पिक पॉइंट सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट क्लिक कर दिया गाइस। अब ये बोल रहा है कि इंस्क्राइब्ड है या सस्कम सब्सक्राइब, या इसके ये चीज जो है इसको लेके अंतर बनाना है तो इंस्क्राइब्ड आई लगाइए, अगर बाहर बनाना है सस्कम सब्सक्राइब के लिए सी लगाना है। तो हमने पहले आई लगाते हैं, तो आई एंटर। अब ये देखो अंदर ही रहेगा। अब लाके इसके कोने पे यहाँ पे क्लिक कर दो, आप देख सकते हैं किस तरह से ये बनके रेडी हो गया। अगर इसी का अपोजिट आपको करना है, फिर पॉलीगॉन के लिए POL एंटर, एंटर, नंबर ऑफ साइड 6 एंटर, पिक पॉइंट एंटर। अब सस्कम सब्सक्राइब के लिए सी एंटर। अब ये गाइस बाहर जाएगा, देख सकते हैं ये बाहर चला गया इससे, क्योंकि ये सस्कम सब्सक्राइब हो गया। जी हाँ गाइस, इसका ये यूज है, इससे बोल्ट डिजाइन करने में आता है। ये बोल्ट आपने देखे होंगे अपने, इसमें जैसे रेक्टेंगल कॉलम है या स्क्वायर में कॉलम है या चार से ज्यादा, जिसमें जैसे 6 6 भुजा वाला जो कॉलम होता है, ऐसे कॉलम के यूज में आ जाता है कभी कभी। इसके बाद है गाइस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का शॉर्टकट की है REC एंटर, एंटर करेंगे। अब इसमें गाइस तीन ऑप्शन है अपने पास,
एक है एरिया वाइज, एक है डायमेंशन वाइज, तीसरा रोटेशन वाला होता है जी गाइस। तो एरिया के लिए अगर आपको एरिया और एक इसकी भुजा पता है तो आप सिंपली एरिया पे ए क्लिक कीजिए, एंटर। फॉर इन एग्जाम्पल हमारे पास जगह 20 स्क्वायर फीट है, तो 20 एंटर, ठीक है। और फिर लेंथ है या वेट है आपके पास, या मतलब लंबाई इसकी डालनी है चौड़ाई डालनी है, तो माना कि हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ के लिए एल एंटर, हाई मान लो 4 एंटर, तो ये आपके पास बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि आपने ये लेंथ 4 डाली थी, तो 4-5 में ये लेंथ अपने आप निकल के आ जाएगी। यहाँ से आप यहाँ से इसको मेजर भी कर सकते हो, ए वाली भुजा आपकी 5 होगी, अभी 5 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 20 निकल के आएगा इसका एरिया जी गाइस। इसमें ये है। और इसके बाद अगर आप डायरेक्टली दो भुजाएं आपको पता है उसके अकॉर्डिंग अगर निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट आर ई सी इंटर शॉर्टकट की है इसका, क्लिक ऑन डिस्प्ले, डायमेंशन के लिए डी इंटर, लेंथ के लिए ना एल इंटर करनी पड़ेगी ना विथ के लिए भी डब्ल्यू इंटर करना पड़ेगा, डायरेक्ट लेंथ एंड विथ डाल सकते हैं आप। तो पहले 4 डाल दो एंटर, 5 डाल दिया एंटर। तो गाइस पहले इसमें विड्थ डालनी पड़ती है, चौड़ाई डालनी पड़ती है, उसके बाद में इसकी लेंथ डालनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से ही आपका रेक्टेंगल बन के रेडी हो जाता है। तो इसमें आप मेजर भी कर सकते हैं कि 4 कहाँ पे डाला, 5 कहाँ पे डाला, तो यहाँ से आप मेजर इस तरह से कर सकते हैं, 4 ये निकल के आ गया आपका एंड 5 ये लाइन निकल के आ गया जी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका आर्क का। आर्क के लिए गाइस डायरेक्ट से भी यहाँ से ले सकते हैं, ये आर्क 3 पॉइंट पे होता है, बनता है पूरा, यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते हैं, और आर्क के लिए ए एंटर करके भी आर्क बना सकते हैं इस तरह से। अब इस आर्क के लिए गाइस 2 पॉइंट दिए होते हैं, नंबर 1 आर के लिए ए एंटर करो, सेंटर पॉइंट इसका क्लिक करो, सेंटर पॉइंट के लिए सी एंटर करना पड़ेगा। अब इसका कोई सेंटर पॉइंट चुन लो, माना कि हमारा सेंटर पॉइंट ये है, अभी गाइस अपने आप यहां से बना के शो कर देगा कि हाँ भाई ये आपका यहाँ से सेंटर पॉइंट से इतना डाया का बन रहा है, बन के रेडी हो गया ये आर्क। दूसरा गाइस इसमें पॉइंट वाइज है कि आप 3 पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए, अपने आप रेडी बन जाएगा आर्क। आर्क के लिए एंटर, फर्स्ट पॉइंट गाइस, सेकंड पॉइंट हमें यहाँ से ले जानी है, थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पे ले जाना, तो आर्क अपने आप बन के रेडी हो जाता है गाइस। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप देख सकें हमारे सारे वीडियो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।